असलम अविवन गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे गूगल की जो साइट किट है उसको यूज़ करते हुए आप यानी कि उससे क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं तो गाइज़ बगैर किसी तरीके चलते हैं वीडियो की तरफ गूगल की जो साइट किट है बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है सबसे पहले तो ये है कि साइट किट को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो आप कहीं भी वेरीफाई कर सकते हो यानी कि आप गूगल साइट किट आपने इंस्टॉल की ठीक है उस साइट किट के अंदर आपने अपनी एक ई लगा दी ठीक है आपने अपने एक जी अकाउंट के साथ इसको लॉग किया वो जी अकाउंट आप कहीं भी यूज़ करोगे जैसे कि एनालिटिक्स में यूज़ करोगे आप उस ईमेल को एडसेंस में यूज़ करोगे आप उसको ए को फ्री यूज़ करने के लिए करोगे या फिर आ, कोई भी और ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी साइट ओनरशिप को वेरीफाई किया जाता है ये करने की आपको ज़रूरत पड़े तो आप जस्ट आपने करना ये आपने साइट किट इंस्टॉल कर लेनी है वहाँ से आपने सर्च कंसोल को वेरीफाई करना है ठीक है तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म या कोई और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी जैसे कि आपने वेबसाइट को गूगल न्यूज़ अप्रूव करवाना हो आप ये भी करवा सकते हो आ, बहुत ही आसानी के साथ और ये करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी एच टी एम एल वेरीफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है एच टी एम एल कोड मेटा टैग नहीं आपको लगाने पड़ते ये सारी चीज़ों से आपको बचा लिया जाता है गूगल का साइट किट जस्ट इंस्टॉल होना चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर तो इनमें से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सो ये सारे हैं जी साइट किट के बेनिफिट्स तो गाइज साइट किट को इंस्टॉल कैसे करना है साइट किट को सेटअप कैसे करना है बिल्कुल सही तरीके से सेटअप कैसे करना है ये जाने के लिए आप पूरी वीडियो देखें आ, कहीं जाइएगा नहीं अभी मैं आप लोगों को आ, बताता हूँ सारे का सारा प्रोसेस जो कि बहुत ईजी है तो गाइज़ सबसे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फिर आप लोगों को मैं गैस पोस्टिंग का फुल कोर्स दे रहा हूँ यार फ्री कोर्स पूरी ईमानदारी के साथ मतलब कोई बात ऐसी नहीं है जो मैंने छुपाई हो उसके अलावा यहाँ पे आपको एस कोर्सेज मिलते हैं आपको गैस पोस्टिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अलावा आपको एस से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और सारे के सारे ब्लॉगिंग से रिलेटेड बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर माई सेल्फ तो आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड फाइवर के रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती हैं आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया तो वापस आते हैं जी वीडियो की तरफ तो गाइज़ uh, सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने प्लग के ऊपर जाना है, ये लेफ्ट साइड पे जो आपको मेन्यू शो हो रहा है वर्ड पैनल में प्लग के ऊपर जाके आपने एड न्यू के ऊपर क्लिक करना है ठीक है एड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च प्लग के ऊपर आना है यहाँ पर लिखना है साइट किट साइट किट को मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल ना आपने देखना है कि ये जी वाला लोगो है और बाय गूगल लिखा हुआ है अगर हाँ यही है तो फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉलिंग हो रहा है और तीन चार सेकंड के बाद ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर इसको एक्टिवेट करना होता है आपने प्लग को ठीक है प्लग को एक्टिवेट मैंने कर लिया है वैसे तो साइट किट मेरे पास यहाँ पर भी अब शुरू होने आ, शो होने लग गया है इसके अलावा साइट किट यहाँ पर भी मुझे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें मुझे बताया जा रहा है कि साइट किट इंस्टॉल हो गई है ठीक है एक्टिवेट हो चुकी है इसका सेटअप मैं चाहूँ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ तो मैं यहाँ से ही कर लेता हूँ ठीक है स्टार्ट सेटअप के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया है चेकिंग इन हो गई है जी कम्पैटिबिलिटी चेक हाँ हमारा वर्ड वर्जन जो है वो चेक होता है यहाँ पर कि उसके साथ ये प्लग इन है कि नहीं ठीक है अब मैंने यहाँ पर साइन इन विद गूगल कर लेना है तो गाई साइन इन विद गूगल करने पर आप लोग देख सकते हो कि मुझसे ईमेल मांग रहा है कि ईमेल कौन से वाले से आपने करना है ठीक है मैंने ये वाले से किया है तो चलो जी मैं आगे चलता हूँ अच्छा जी सो so, वो कह रहे हैं कि अपने डैशबोर्ड में मैट्रिक्स ऑन करो यानी कि अलाउ करूँ मैं कि वर्डप्रेस के अंदर ये मुझे डाटा शो करवाए मेरी वेबसाइट का सो so, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ सेटअप सर्च कंसोल गाइज यहाँ पर हमारा सर्च कंसोल का सेटअप जो है वो हो रहा है यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ देखो सर्च कंसोल से अगर आपकी वेबसाइट वेरीफाइड है तो आपको यकीन करो हर जगह पे जस्ट सर्च कंसोल ही देखा जाएगा आपका आप कहोगे कि यार मेरे सर्च कंसोल से वेरीफाई कर लो तो वहाँ पर आपको लाइक साइट ऑनरशिप की एक्सेस मिल जाएगी मतलब यह है कि आपकी वो मान लेंगे कोई भी वेबसाइट है जैसे एडसेंस है एनालिटिक्स है या एच है या कोई भी ऐसी है गूगल न्यूज़ अप्रूवल यानी कि पब्लिशर सेंटर है कहीं भी आप जाते हो तो वो जस्ट आपकी सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन देखेंगे तो वही सेटअप होने वाला है एक बार ये सेटअप करना पड़ता है बाद में जस्ट आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना होता है कहीं पे भी तो सर्च कंसोल से ख़ुद ब खुद वेरीफाई हो जाता है सो so, सेटअप के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है ओके okay, वो सेटअप हो चुका है सो सेटअप गूगल एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आ जाते हैं इसको मैं नेक्स्ट कर दिया है तो जनाब ये देखो सारे का सारा सीन ओके हो चुका है तो गूगल एनालिटिक्स पे आपका ये होगा कि एनालिटिक्स के बाद आपको एक ऑटोफिल हो जाएगा आपका आपके सामने आ जाएगा उसके अंदर आपकी साइट का नाम लिखा होगा आपका लिखा होगा कि ऑल वेबसाइट डाटा और इस तरह का थोड़े बहुत ऑप्शंस होंगे आपने जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है कुछ नहीं करना कोई चेंजेस नहीं करनी और इसको जस्ट कंप्लीट कर लेना है आपने सेटअप को और ये देखें सर्च कंसोल के ऊपर सर्च डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश सर्च माइनस कंसोल गई आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्च कंसोल में अगर मैं अपने अकाउंट को चेंज करूँ इसको लेके आऊं आऊँ तो टॉपिक लीड्स डॉट कॉम मुझे यहाँ पर शो होने लग गई है ठीक है टॉपिक लीड्स डॉट कॉम यहाँ पर मेरे पास आ रही है वेबसाइट जो अभी अभी हमने ऐड की है सर्च कंसोल के अंदर ये हमारे पास आ चुकी है सो डैट मीनस के हमारा साइट किट हमारे वेबसाइट के साथ अटैच हो चुका है यहाँ पर ही अगर मैं सेटिंग्स पर जाऊँ तो मैं सेटिंग्स में जाकर यहीं से कनेक्ट मोर सर्विसेज करके एडसेंस को भी कनेक्ट कर सकता हूँ सेटअप एडसेंस यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे जस्ट वही ईमेल को सिलेक्ट करना है जिस पर मेरी सर्च कंसोल वेरीफाइड है और यहीं से मेरा एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जस्ट आपने करना ये है कि इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको फिल आउट करना है जो भी आपसे डिटेल मांगी जाए ये देखो मुझसे यू मांग रहा है वेबसाइट का इसको मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया और इसी तरह से ठहरे बल्कि ये वाला अकाउंट सही वाला नहीं है जो मैं मतलब चाह रहा हूँ जिसके ऊपर करना सो so, इस अकाउंट के ऊपर एक एडसेंस अकाउंट अभी मैंने बनाना है इस वाले जीमेल के ऊपर सो गाइस दिस इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी कि आपने यहाँ से जस्ट गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाए वो आपने प्रोवाइड करनी है और आपने एडसेंस पे अप्लाई कर लेना है तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो आई होप कि इस वीडियो ने आपको आ, ये चीज़ समझने में हेल्प किया होगा कि गूगल साइट किट क्या है और गूगल साइट किट को यूज़ कैसे किया जाता है इसके फ़ायदे क्या हैं इससे क्या क्या चीज़ें जो हो जाती हैं तो गाइज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे शुक्रिया